अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। शोएब मलिक और सना जावेद की शादी पर काफ़ी लोग इनको तनकीद का निशाना बना रहे हैं। शोबीज़ में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इनको बुरा भला बोल रहे हैं और इनके फैंस, इनके चाहने वाले भी इनके खिलाफ बोल पड़े हैं। इस पर शोएब मलिक क्या कहते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को कर दें प्रेस, ताकि हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंचता रहे। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि शोएब मलिक की ये तीसरी शादी है, जबकि शोएब मलिक का कहना है कि ये उनकी दूसरी शादी है। पहली शादी उनकी 2010 में सानिया मिर्जा के साथ हुई, जो कि उनकी पसंद की शादी थी। सानिया मिर्जा का ताल्लुक जो कि इंडिया से है और शोएब मलिक पाकिस्तान में इस्लामाबाद के रहने वाले हैं। शोएब मलिक का कहना है कि सानिया मिर्जा उनके साथ पाकिस्तान में नहीं रहना चाहती थी, जबकि शादी को इतना काफी अरसा हो गया है। इसके बावजूद सानिया मिर्जा शोएब मलिक के साथ दुबई में रहती थी, जबकि शोएब मलिक की पूरी फैमिली इस्लामाबाद में रहती थी। शोएब मलिक का कहना था कि वो सानिया मिर्जा को ये कहते थे कि वो अपनी फैमिली के साथ रहना चाहते हैं अपने मुल्क पाकिस्तान में, जबकि सानिया मिर्जा नहीं चाहती थी कि वो पाकिस्तान आए। इसकी वजह से उनकी अक्सर लड़ाई होती रहती थी और यहाँ तक के बाद तलाक तक पहुँच गई, लेकिन वो सानिया मिर्जा को तलाक नहीं देना चाहते थे। शोएब मलिक कहते हैं कि दूसरी शादी करना कोई जुर्म नहीं है और ना ही उन्होंने कोई जुर्म किया है। अगर एक शादी उनकी सही नहीं जा रही तो वो दूसरी शादी कर सकता है अपनी मर्जी से। सना जावेद उन्हें जो कि पसंद थी और पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान में ही रहती हैं, जबकि शोएब मलिक का कहना है कि वो भी पाकिस्तान में ही रहना चाहते थे, तो उन्होंने सना जावेद से शादी कर ली। शोएब मलिक कहते हैं कि ऐसा भी उन्होंने कोई बड़ा गुनाह नहीं कर दिया, जिस तरह लोग उनको बुरा भला बोल रहे हैं, उनकी अपनी लाइफ है और वो जैसे चाहें इसे गुजार सकते हैं। अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ, तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।